अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है स्पाइसी फ्राई पोटैटो की। बहुत अच्छे चटपटे आलू हैं ये और इफ्तार में बहुत ही मज़ा देंगे, रखेंगे आप तो सब बहुत इंजॉय करेंगे इस आलू को। तो चलें देखें हम किस तरह बनाते हैं इसको। अच्छा, हमने पहले ही आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, छोटे वाले आलू हैं ये। बड़े आलू भी मिल जाएँ तो कोई मसला नहीं, आप उसको पीस कर लें। ये छोटे आलू हैं, आधा किलो हैं, इसको हम उबाल लेंगे। इसे हम उबाल लेंगे उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। अच्छा देखें, ये आलू उबल गए हैं। अब इसमें से जो बड़े हैं थोड़े, उनको मैं थोड़ा छोटा कर लूँगी। ये ज़रा बड़े हैं, ये वाला बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा कर लूँगी। देखें जो थोड़े बड़े थे उनको मैंने दो हिस्से में कर लिए हैं, बाकी सब ऐसे ही छोड़ दिए मैंने। अब इसको हम फ्राई करेंगे। अच्छा, हमने पैन लिया, उसे गरम किया। सबसे पहले हम तेल डालेंगे, आधा कप तेल है ये, कुकिंग ऑयल है, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने तेल गरम किया, इसके बाद एक कड़ी पत्ता डालेंगे थोड़ा सा। कड़ी पत्ता मैं सुखा के रखती हूँ। इसके बाद हमने ये उबले हुए आलू डाल दिए। इस आलू को हम ऊपर नीचे करेंगे, लट पलट करेंगे थोड़ा। इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून कुटी हुई धनिया। इसे हम मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हाफ टी स्पून चाट मसाला मिक्स कर लेंगे हम। बहुत अच्छा चटपटा सा आलू है ये। अच्छा, मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छी तरह हम फ्राई कर लेंगे, थोड़ा ब्राउन हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा ब्राउन सा कलर आ गया इसमें। अब इसमें डाल देंगे हम ये इमली का पानी है, थोड़ा सा हमने इमली का पानी बनाया है, दो चम्मच है, दो टेबल स्पून ये डाल देंगे। हम ये धनिया काट देंगे, हमने धनिया डाली है, काट देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी चटपटा सा आलू बना है ये। इफ्तार में आपको बहुत अच्छा लगेगा खाने में। बिल्कुल रेडी हो चुका है, ब्राउन हो गया है और इमली का पानी मिलाने से इसमें और अच्छा टेस्ट आ गया है। ये देखें, मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी डिश है ये। आप इसे इफ्तार में ज़रूर ट्राई करें, आम दिनों में भी खा सकते हैं। आप इसे खाएं, इंजॉय करें और मुझे अपने कमेंट में बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।